हरे कृष्ण हरे हरि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण मुझे सुन पा रहे हैं आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हम्म हरे कृष्ण <coughs> तो आप सबका स्वागत है आज के सेशन में आप सबको मेरा हरे तो तो really sorry, uh, so but, uh, और इम्पोर्टेंट श्लोका भी है तो आज पूरे तरीके से भगवान भरोसे ही है सारा कम तो और इम्पोर्टेंट श्लोका है ध्यान uh, से सुनिएगा इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो Um, शायद एक बार में समझ में ना, ना आ सके तो यू कैन गो थ्रू दिकॉर्डन भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यम नरम जेव नरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीरते नष्ट प्रायशु भद्रेशु नि भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवते नष्ट के तो आप सबके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पीडीएफ स्क्रीन आप सब आ, पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कर सकते हैं वर्स नंबर एट ऑफ श्रीमद् भागवतम चैप्टर फोर्टीन कैंटो वन डिस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण ओके तो आप सब सब्यूट करें और पीछे पीछे दौराने का प्रयास करें अपि अपिना कलम अयम उपाशिता यद आत्मन अंगम आकृत ये नय आत्मा आत्मनम अंगम भगवान उत्तिशिक्रष्यति भगवान उत्तिसस्य ओके नाउ ट्रांसलेशन एंड बट बाय हिज जॉइन ग्रैसीस भक्ति विदान स्वामी की जय ट्रांसलेशन क्या वह अपनी मृत्यु लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं मृत्यु लोक मृत्यु लोक क्या वह अपनी मृत्यु लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं जैसा देवऋषि नारद ने अंगित किया था क्या वह समय आ भी चुका है इन इंग्लिश इज ही गोइंग टू क्विट एज देवऋषि नारद इंडिकेटेड दैट टाइम ऑलरेडी अराइव्ड युधिष्ठिर वाच है आ, ये युधिष्ठिर महाराज जी बता रहे हैं तत्पर तत्पर से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं ओम अज्ञानम तिर्मंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय अक्षुल्मितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं यनभूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सोपदंगं वन्दे हम श्री गुरु श्रीयुत श्री गुरुं वैष्णवं च श्री रूपं सागरचितं सहगन रघुनाथं तं सुजीवं परिजन वेत कृष्ण चैतन्य सहित्यं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता शिवशाखाव हे कृष्ण कूणा सिंधु hey दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपी ककांत का राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी वृषभानुसुतेमा हरी प्रियवांचाय कलश कृपाश पतिता नाम, मैश्चनेव नमो नमा नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण परशाये पुतेले श्रीमद् भक्त वेदानंद स्वामी नितिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवानी प्रचारिणे निविशेष शून्यवादी पचहति देशितारिणे जय श्री कृष्ण चेतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदादर्श वासादि गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम. हरे 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 कृष्णा टू ऑल ऑफ यू ओके तो लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक दैट इज टू रीड वर्स 8 ऑफ चैप्टर 14 कैंटो 1 कल uh, एक छोटी सी मुझसे गलती हो गई थी छोटी नहीं है बड़ी ही है आ, uh, मैंने गलती से बता दिया था हम जब ग्यारहवें स्कंद को पढ़ रहे थे मैंने बताया था ट्रांसलेशन एंड बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए सी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद उधर आना चाहिए था ट्रांसलेशन एंड पर्पड बाय द डिसाइपल्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस

त्पर्य जैसा हम कई बार बतला चुके हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं और इनमें से यदि भी सभी सम्मान रूप से शक्तिमान है विन -विन करते हैं, के अलग अलग रूप अलग अलग कार्य भी करते हैं भगवत गीता में भगवान के कई तरह के कथन है और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों तथा या अंशांशों के लिए है अंशांशों के लिए है प्लानरी पोर्षण पोर्शन ऑफ द प्लानरी पोर्शन अंश के और अंश को वो बताया गया है उदाहरण अर्थ भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवदगीता फोर पॉइंट सेवन फोर पॉइंट जहां जहां भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्रधान लगता है तब तो मैं अवतरित होता हूं बहुत फेमसा धर्मस्य गुम धर्म नाम सजय सबने लोगों को, ये, को याद है एनीवेज नेक्स्ट भगवदगीता फोर पॉइंट एट दिस इज फेमस वर्स का उदार करने दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ समस्थापना संभवानी युगे 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 मैं युग युग में प्रकट होता हूँ ये शिलाप्रपात बता रहे हैं कि भगवान अपनी इन सारी चीजों को कहा वर्णन कर रहे हैं किन किन वर्सेस में बता रहे हैं तो 4.7, 4.8 में बता रहे हैं जहां जहां धर्म का पतन होता है तब भगवान भी आते हैं अधर्म को मतलब प्रदान ये जब जब डिग्रेड हो जाता है सब कुछ तब भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं युग युग में मैं आता हूँ भक्तजन का उद्धार करने दुष्टों का विनाश करने धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापना करने भगवान आते हैं और नेक्स्ट में बताया जा रहा है यदि मैं भगवदगीता थ्री पॉइंट यदि मैं कर्म ना करूं अब भगवान बता रहे हैं भगवान क्यों आते हैं और कार्य क्यों करते हैं ये भी हमें पता चलेगा यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपित गामी हो जाएं तब मैं अवंचित जन समुदाय यानी कि वंश संकट को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह पूर्ण इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशकर्ता बनूंगा भगवत गीता 3.24 3.21 अभी बताया गया है महापुरुष भगवत गीता 3.21 महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं वे अपने अनुसरण अनुसरणीय कार्यों से ही से जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करते हैं 3.21 यद्यत आच आचरति श्रेष्ठ कुछ ऐसा वर्स है ना यद्यत आचरति श्रेष्ठ तो जो जो श्रेष्ठ लोग संसार के जो कार्य करते हैं वैसे, कर, वैसे ही उसको लोग फॉलो करते हैं तो इसलिए भगवान जब आते हैं कई बगार कई बार हमें देखने को मिलता है भगवान भी वो कार्य करते हैं जो हम कर रहे हैं सामान्य रूप से वो सब भगवान को करने की क्या जरूरत है लेकिन करते हैं भगवान श्री राम ले लो भगवान श्री कृष्ण ले लो तो ये सारी चीजें करते हैं हम सबको सीखना लेने के लिए इसी तरीके जिस तरीके से एग्जाम्पल उदाहरण कोई टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए मार्कर उठाता है और व्हाइट बोर्ड पे लिखता है ताकि वो बच्चा पढ़ सके इसका मतलब ये नहीं कि टीचर लिख रहा है तो ही स्टूडेंट ही एक्टिंग लाइक स्टूडेंट टू टीच द स्टूडेंट तो कृष्णा इज ऑल्सो डूइंग द सेम इन द फॉर्म ऑफ हिज डिफरेंट अवताराज इन डिफरेंट प्लानरी पोर्शन ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट उपयुक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं यथा प्रद्युम्न तथा नारायण इन सभी अंशों <coughs> uh, uh, जो भी भगवान ये सारी चीजें बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि जो भी उनके एक्सपेंशन है फर्स्ट एक्सपेंशन की बात होते हैं भगवान मैंने हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अवतार से भगवान पहले विस्तार करते हैं जैसे बलराम से फिर आगे जैसे यहाँ पे अभी बताया कुछ विस्तार कुछ चीजों की बात बताई जा रही है वासुदेव अनिरुद्ध नारायण इसी प्रकार से जो रूप हैं भगवान के अंश पर बोलते हैं कि इसमें भी भगवान ही भगवान के द्वारा ही ये संपन्न हो रहा है और ये भी अपनी रोल निभाते हैं ये अपना अपना रोल निभाते हैं फिर देखिए क्या लिखा जा रहा है फिर भी कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटियों के भक्तों के से विभिन्न प्रकार की दिव्य

ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटे में यानी बिलियन एट पॉइंट प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी सारी दिव्य लीला प्रत्येक ब्रह्मांड में कर्मक्ष दिखलाई पड़ती है मतलब कृष्णा कम्स इन 8.64 बिलियन ह्यूमन इयर्स दैट इज ब्रह्मा जी वन डे मतलब 24 फोर आवर्स ओके

आप सबको पता है आप सबको पढ़ा जा रहा होगा जरा हो फोर दिव्य, फोर युग एक युग का एज आप और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे कुछ और वीडियोस को देख सकते हो चार युग कंसिडर किए जाते हैं एक दिव्य युग ठीक है चार युग मतलब एक दिव्य युग नाउ जब 71 दिव्य युग हो जाते हैं मैं सबकी एज बताऊंगा इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन मतलब वो एक मनमंत्र कहलाया जाता है मन मंत्र सेवेंटी फोर युग इज इक्वल टू वन दिव्य युग एंड सेवेंटी वन युग इज इक्वल टू वन मनमंत्र फोर्टीन मन वंत्र इज इक्वल टू वन कल्पा ओके okay? और यही एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन क्या लाया जाता है वन डे ऑफ ब्रह्मा ठीक है और इस एक कल्प की एज होती है एट पॉइंट सॉरी सिक्स फोर बिलियन ह्यूमन सॉरी ह्यूमन की स्पैयिंग कर दिखते हैं ह्यूमन इयर्स ठीक है

हंड्रेड इयर्स कितना है ब्रह्मा जी एज ब्रह्मा जी एज ओके जीज आना चाहिए मैंने जी लिख दिया ब्रह्मा जी एज और एक साल में ब्रह्मा जी के होते हैं तीन सौ साठ दिन थ्री सिक्सटी ठीक है थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इयर्स तो दैट बिकम्स थर्टी ओके थर्टी सिक्स थाउजेंड कल्पास और अगर हम इसकी कैलकुलेशन बिठाए इन ऑल इन सब कैलकुलेट करके ब्रह्मा एज इज इक्वल टू थ्री वन वन पॉइंट जीरो फोर ट्रिलियन ह्यूमन है ना कितनी ओके आई होप यू आर आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कुछ हद हाँ तक मैंने बहुत शॉर्ट में बताया नो बट चलो जितना भी मैं अभी इतने छोटे समय में बता सकता था वो बताया मैंने ओके okay. मुझे सुन पा रहे हैं ना डिपोटीज को कुछ इशू आ रहा है आई थिंक

प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी सारी देवी लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में दिखलाई पड़ती है निपट व्यक्ति के लिए भगवान, भगवान, वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं स्वयं भगवान का स्वयं भगवान तथा भगवान के देवी शरीर में कोई भी अंतर नहीं है विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं किंतु जब भगवान शरीर

किंतु जो भगवान शरीर ओके okay. इस प्रकार वृंदावन में ध्यान से सुनिएगा इस प्रकार भगवान वृंदावन के भगवान कृष्ण माथुरा या द्वारिका के कृष्ण से भिन्न है इसी तरीका इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिन्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप को भौतिक की भौतिक अवधारणा है तो अभी डिवोटी ने की एक डिवोटी बड़े अच्छे से पढ़ रहे थे

बिन है तो ये कैसे समझो यहाँ पे समझने के लिए वी हैव टू यूज द डिफरेंट जैसे अभी हमने बोला अचिंत्य बेद। वहां पे जो बेंगाल की बात कर रहे हैं उस बंगाली का कहना मतलब था कि कृष्ण जो एक्टिविटी वहां कर रहे हैं वृंदावन में और जो कृष्ण मथुरा के हैं और जो द्वारिका के हैं अलग पर्सनैलिटी इनका उस कृष्ण और उस कृष्ण का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेना देना है लेकिन वो आइडेंटिटीज अपनी अपनी प्रकट कर रहे हैं जैसे भगवान श्री राम हम अलग अलग अवतार की बात करें भगवान श्री राम है भगवान कृष्ण है भगवान के ही अलग अलग रूप है अगर कोई भगवान राम की उपासना करता है या नारायण की उपासना करता है या कृष्ण की उपासना करता है या कोई अन्य रूपों की उपासना करता है तो वो उस भाव को ही अः पूज पूछ पूछ के उधर उनके दामों में जाता है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृंदावन के भगवान मथुरा द्वारिका से बिन बिन है मतलब दे वी कैन नॉट से दैट दे इन इन अ वेरी इजी टर्म्स इफ आई विल आई हैव टू मेंशन दैट द्वारिका के जो भगवान कृष्ण है या वासुदेव जो चतुर्भुज या दश अवतार वाले जो भगवान वासुदेव नारायण स्वरूप जो दिखा रहे हैं विराट स्वरूप दिखा रहे हैं वो उस मूल रूप से अलग है और अलग होते हुए भी वो अलग नहीं है वो मूल रूप है और ये उन्हीं के एक्सपेंशन है, जो real है that is real Krishna, जैसे कि जिसको हम मैं अभी और शब्द में आपको बताता हूँ मोर डीपली वॉट हिस्टर इट इज मैं दिस वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीचिंग पार्ट सो यू कैन यू कैन डीप फिलोसफी एंड

कंप्लीट देखिए यहाँ पे इफ यू विल एग्जामिन वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध के ऊपर यहाँ पे अयोध्या धाम है तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट हु वर्शिप्स लॉर्ड इन गॉड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम तो दे कैन गो बैक टू अयोध्या धाम विच इज ऑफ़ कोर्स ऑफकोर्स स्पिरिचुअल प्लान यहाँ पे भी जन्म मृत्यु जरा वैदिक कोई स्पर्श नहीं है और मथुरा को अलग अलग कर दिया और को अलग अलग कर दिया भगवान के भक्त है उस द्वारिका दाम भगवान कृष्ण को पूछते हैं मथुरा दाम में मथुरा दाम में पूछते हैं या अलग अलग वात्सल्य रूप में पूछते हैं जैसे मथुरा इफ देना More in the form of Vatseli, the Yashoda Maiya and all. And when they will go to the uh, dwarika so the, he they will worship Krishna in the different form. Okay, so Golok Vrindavan is the mool sarup where the real Krishna and we can say mool are that they are also real, but they are the plenary portions of uh, Krishna. So here we can understand this Golok Vrindavan Krishna is the real form, and the, he is expand, he is expanding his form in different. Uh, so that उनके जो है, हर रूप से संतुष्ट भक्ति uh, uh, में अब जैसे बहुत सारे uh, बहुत सारे डिवोटीज भगवान के देवर्ष कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ दैट ही इज इज़ सब कुछ है जैसे भगवान श्री हनुमान भगवान uh, उपासना में हनुमान किस तरीके से सेवा कर रहे हैं सेवा भाव से ना जिसको हम क्या बोलते हैं से 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 दास्य बाव से, दास्य यस तो उसी तरीके से कोई गोपी भाव से करता है हालांकि uh, ना इमिटेट गोपी भाव सो इट फर्स्ट प्रपाल ने बोला दास्य भाव से उपासना करनी है उसके बाद वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड ऑफकोर्स दैट कम्स ग्रेजुअली Now let me know in the chatting session we will proceed further uh, to the other part of this verse. agar इसी ka koi doubt rahega we will try to clarify. Okay. Now uh, let let me understand the other part. कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की बौद्धिक आवादारना है, भगवान के बौद्धिक रूप की आवादारना है. Material conception of uh, Krishna form. He that is not his real form. Like uh, अभी मान लीजिए uh, when I when you or many any anyone. कोई ऑफिस जाता है या कोई स्कूल जाता है कॉलेज जाता है यूनिफॉर्म लगा के जाता है ना एक पूरे डिसिप्लिन वे में जाता है कॉल्स सर uh, और बच्चा स्टूडेंट जाता है तो uh, उसको यूनिफॉर्म में जाना पड़ता है लेकिन ही कम बैक होम तो वो क्या करते हैं अपना चेंज करते हैं कंफर्टेबल तरीके से बैठते हैं और अपना उनका जो असली रूप है वो सामने निकल के आ जाता है तो हेयर वी कैन अंडरस्टैंड विराट स्वरूप इज वी कैन से दैट इज नॉट ए अ पार्ट ऑफ कृष्णा बट

ये शरीर छोड़ के जा रहे हैं तो वो उसी तरीके से जो उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया है, जिसको मेटेरियल कहा जा रहा है उसी तरीके से जो शरीर यहाँ पे भगवान कृष्ण का रहा ऑल्सो भौतिक शरीर और भगवान में अब ये तो भौतिक और आध्यात्मिक हमारे लिए भगवान के लिए तो सब एक ही है सब एक ही जैसा है तो भगवान तो केवल ही और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं पदार्थ को इंग्लिश में अगर पढ़े उनके लिए कोई आई एम नॉट गेटिंग वेयर इट इज बट uh, उनके लिए मैटर और स्प्रिट में यही आना चाहिए मैटर और स्प्रिट में कोई डिफरेंस नहीं होता भगवान के लिए बोथ आर इक्वल टू तो हिम अतएव उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर ग्रहण करने का अर्थ ये नहीं कि वह सामान्य जीव, जीव जैसे हैं तो इसका मतलब वी डोंट हैव टू गेट के कि सामान्य जैसे है। अब आप बोलेंगे कि भगवान ऐसा फिर करी क्यों रहे हैं ये उन लोगों के लिए कथाकथित लोगों के लिए जो भगवान की निंदा करते हैं भगवान से ईर्षा रखते हैं जो नास्तिक जिसको शब्द कहते हैं ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिन्य शक्ति के कारण एक ही साथ तथा बिन बिन है एक ही साथ एक तथा बिन बिन है अब समझ में आया जो पहले हमने पढ़ा अचिंत भेदा बेद। जब महाराज युधिष्ठर उनके अंतर्दान होने की संभावना से शोकाकुल थे तो ये अपने घनिष्ठ मित्र के अंतरदान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था जब यु, यु, महाराज युधिष्ठिर वाज लाइक लेमिनेटिंग कि भगवान जा रहे रहे हैं हैं तो वो कौन से की बात कर रहे हैं? जो उनके काफी अच्छे मित्र थे उस कृष्ण संबोधित करते हैं हालांकि उनको सब पता था लेकिन वास्तविक तो ये है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते जैसा कि अल्प ज्ञानी लोग ब्रह्मविश सोचते हैं बहुत सारे आपको ऐसे समाज में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जैसे दैट अः

जब भगवान श्री राम ने वध किया तो उस टाइम फिर कृष्ण का श्री कृष्ण के द्वारा भगवान के द्वारा अगर कोई मारा जाए तो वो भी uh, आध्यात्मिक ही होता है तो उससे उनका यह फायदा मिला कि वो भगवान जो झरा है वो भी गोलोक वैकुंठ लोक चला गया ग्यारे स्कंद में आएगा एनीवेज जैसे एक सारे कार्यकलाप शक्ति के कारण एक ही साथ तथा बिन बिन है जब ओके पढ़ा हमने तो युद्ध अपने गणिष्ठ मित्र के अंतर्दान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था लेकिन वास्तविक तो ये था कि भगवान कभी भी अपना देवी शरीर नहीं त्यागते जैसा अल्पज्ञानी लोग ब्रह्मश सोचते हैं भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञ की की है और उन्हें मूड कहा गया है उन कहा गया है भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना जो होते होते हैं अल्पज्ञानी है छोड़ दिया ओके okay? अंडरस्टूड जिस तरह इस संसार में उन्हें अपना विराट रूप छोड़ा था और जिस तरीके से यहाँ पे विराट स्वरूप भगवान ने छोड़ा भगवान ने उसकी अभी भी इन मेनी फॉर्म्स पीपल आर वर्शिपिंग दैट तो कृष्ण ने

हरे कृष्ण संपद राज्यम दारा प्राण कुलम प्रजा आसन सप सपतन विजय लोका चौयत अनुग्रहात केवल उन्हीं से हमारा सारा राशि ऐश्वर्य अच्छी पत्नियां जीवन संतान प्रजा के उपनियंत्रण नियंत्रण शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका यह सब हम पर उनकी अहितु की कृपा के कारण है तात्पर्य भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी अच्छा घर पर्याप्त भूमि अच्छी संतानें, राशि पारिवारिक संबंध प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर देवी प्रभु जी देवी लोगों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है ये सुविधाएं ना केवल खुद की कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है भगवान भगवान के 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 आशीर्वाद आशीर्वाद साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए किंतु बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती है कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया लेकिन जहां तक वाद, वैदिक शास्त्रों का संबंध है जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रश्नों में देखने में आता है सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं अतः मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्तों के पचिनों का अनुसरण करे जिससे उसका जिससे उसका जीवन पूर्णतः सफल बने यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता है तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असफल ना होता आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप में चंगा हो जाता है अतः निष्कर्ष यह है निकला की सारी घटनाएं चाहे बुरी अच्छी हो या बुरी भगवान की मर्जी के कारण ही घटती हैं किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए <coughs> हरे कृष्णा हरे कृष्णा सो फ्रॉम दिस वर्स वी कैन अंडरस्टैंड कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है और जो भी सक्सेस हमें मिलती है वो भी कृष्ण के हाथ में ही है सो वी शुड वेरी थैंकफुल टू कृष्णा बट जो नॉन डिवोटीज हैं जो भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं रखते हैं वो इस चीज से कतई भी स्वीकार इस चीज को कतई भी स्वीकार नहीं करते हैं बट यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई किंतु कभी भी कभी अचंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से में चंगा हो जाता है चंगा मतलब इज नॉट नॉट हिंदी वर्ड इफ चंगे से अगर ठीक भी हो सकता था एनी वेज

प्रभावों पृथ्वी की प्रतिकृत प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाली खतरे की सूचना दे रही है तत्पर्य सभ्यता की पौतिक उन्नति का अर्थ है तीन प्रकार की आपदाओं की प्रकृति जो देवी प्रभावों के कारण पृथ्वी की प्रतिक्रित... प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर जामन की वेदनाओं के कारण है नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक आती है। जैसे अत्यधिक गर्मी सर्दी वर्षा त, या सूखा तथा इनके बाद के प्रभाव से दुब्रिक्ष रोग तथा महामारी आती है इन सबका सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश मानव कृत भौतिक विज्ञान इन तीन प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिया जाने वाला दंड है अथेव भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनियोचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं फिर भी असुरजन जो ईश्वर के अस्तित्व तथा अस, अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते वे इन तीन प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए अपनी खुद की योजनाएं बनाते हैं अतः वे हर बार विफल होते हैं भगवत गीता सेवन पॉइंट टू फोर में स्पष्ट कहा गया है सॉरी 14. प्रभु जी 7.14 में स्पष्ट कहा गया है कि तीन भौतिक गुणों के भ्रमकारी प्रभाव के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रियाएं को भी को कभी जीता नहीं जा सकता है इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्हें भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है हरे कृष्ण आबे क्वेश्चन सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द अबाउट मिजरीज ऑफ लाइफ जिसको रोका नहीं जा सकता आपदाएं जिसको कहते हैं तीन प्रकार की होती हैं जिसमें इन डिटेल वी विल नॉट गो बट चलो ये एक अलग से टॉपिक है एनीवेज यू कैन अंडरस्टैंड जैसे यहाँ पे शिलाप्रभा बात बता रहे हैं सर्दी गर्मी बुखार सूखा uh, कुछ ऐसी मिजरीज होती हैं जो हमारे कर्मों के साथ आती है कुछ होती है जो है ही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ होती हैं जो बाय नेचर प्रोवाइड होती है यानी कि जो डेमी गॉड्स के द्वारा अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी वो सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं सर्दी सूखा ये सब तो ये अलग अलग प्रकार की मिजरी इससे बच्चा नहीं जा सकता अब यहां पे बताया जा रहा है बता रहे हैं कि इन्हें वही जीत सकता है जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों लोग शरण ग्रहण कर लिया वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आप बोलोगी कैसे देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो भगवानों के दामों में चला गया तो उसका तो पहले ही खत्म हो जाएगा उधर ये मिजरीज तो है ही नहीं अब यहाँ पे भी रह के कैसे इस चीज पे आ, एक कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज डू नॉट गेट इफेक्टेड बाय दैट देर नॉट इफेक्टिव जैसे हम भगवत गीता के वर्सेस uh, पढ़े तो वहां देखने को मिलता है भगवान बताते हैं कि जो सिद्ध पुरुष है उसको uh, सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब ये नहीं कि सर्दी में वो कुछ कपड़े नहीं लगाएगा या गर्मी में वो uh, कंबल लेके बैठ जाएगा नहीं ऐसा कहने का मतलब ये है कि उसको वो अपनी भक्ति को हैम्पर नहीं होने देता अगर उसके सर्दी है तो इट डज मीन कि वो छह बजे नींद आठ बजे नींद खोलेगा चलो आज सर्दी है तो थोड़ा एक आधा घंटा लेट खोलूंगा ऐसा नहीं है तो आ, वो कंप्रोमाइज नहीं करता अपने भगवान और अपना और भगवान का संबंध तो दैट इज हाउ वी कैन वो आ, इस इन सारी चीजों पे जीत प्राप्त कर सकता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि आई होप आप समझ ही रहे होंगे कर्म उन पर इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि भगवान की शरण ली हुई है शुद्ध भक्त है कोई गलत कार्य करेगा नहीं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अब वो शरीर छोड़ रहा है लेकिन वो शरीर भी पूजनीय हो जाता है तो जो भक्त भक्ति में रहे भक्ति में रहे और वो शरीर त्यागे तो पूज नहीं है तो इस तरीके से ही कंट्रोल ही 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 व्हाट वी विल से कैन ओवरकम सिंपली ओके एनीवेज नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं लास्ट वर्स ऑफ द थैंक यू फॉर कनेक्टिंग और थैंक यू फॉर लाइक आप सब जुड़े रहे आई एम रियली थैंक यू एनीवेज डिवोटीज रेज हैंड नहीं करते और जो मुझे रेज हैंड किए हुए दिखते हैं उन्हीं को मैं बोलता हूँ जैसे रेना माता जी ने कल पढ़ा था सुनीता माता जी यस यू कैन अनम्यूट कल परसों रेणु माता जी ने पढ़ा था आज सुनीता माता पढ़ेंगे जी Krishna माता जी प्लीज हरे कृष्णा। गुरु अशी भाव महाम स्वरंती अकाम पुण्य पुण्य विपुति च अपिरधय आराथ दयन सीधि विप्रेम मेरा शरीर का बाया बाग मेरी जांगे बुझाएं तथा आंखें बारं बारंबार फड़क रही है वैसे मेरा हृदय घबरा रहा है ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं तात्पर्य ये भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर तोप दी जाती है और हम ये नहीं देख पाते कि ये अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है जब किसी मनुष्य की जागे बुझाए तथा आके निरंतर फड़के तो यह समझ लेना चाहिए कुछ अनिष्ट होने वाला है इन सब अनिष्टों की तुलना दाव अग्नि से की जाती है जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता फिर भी यह आग स्वतः लग जाती है जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती है ऐसे आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता यह अग्नि केवल श्री भगवान की कृपा से ही शांत हो सकती है जो अग्नि का शमन करने हेतु बादलों को बेचते हैं इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाई जाए जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता ऐसे विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती है जिसके निमित्त श्री भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को बेच कर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं हरे कृष्ण हम्म हरे कृष्ण ओके सो हेयर फ्रॉम दिस वर्स प्लीज अम्यूट कर दीजिए माता जी तो यहाँ में बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज जी देखिए कितना अच्छे से अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पढ़े युधिष्ठिर महाराज जी को ये संकेतनाएं मिल रही हैं अशुभ जो होती हैं जो क्या बोला गया यहाँ पे मनुष्य की जांग पता नहीं कुछ तो बोला है मतलब जो सही तरीके से जो चीजें नहीं होती है हमारे लिए अशुभ क्या समाचार होता है अरे वो तो मरने वाला है अरे वो कहीं पैदा होने वाला है अरे वो तो कुछ गलत होने वाला है हमारे हमारे लिए ये अशुभ चीज नहीं है कि हमने भगवान से अपना संबंध खो चुके हैं असल में यही अशुभ का सबसे बड़ा कारण है और इसलिए आज कल uh, सुबह शाम किसी न किसी की आंख फड़कती रहती है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अशुभ uh, कार्य या वो सं, संकेत देखने को मिलते हैं तो इट इज जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द बिगेस्ट संकेत अशुभ संकेत इज क्टेड एंडनेक्ट वो केवल से, से, से बचाते हैं अगर हम अपना संबंध कृष्ण से जोड़ते हैं कैसे एक प्रामाणिक प्रतिनिधि के द्वारा तब जाके हमारा लाइफ सक्सेसफुल होता है तब जाके हमारा मनुष्य जीवन सफल होता है okay so i hope you all understood and got the meaning of all the things agar kisi ko koi problem hai koi i mean to say koi issue hai koi doubt hai kuch corrections hai to तो they can go with that let me see the chatting session आप सब unmute भी कर सकते हैं आरती माता जी आपका doubt कवर uh, हो गया Hello, hello. जी जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली इसमें जो बताया गया था कि हम भक्ति करते हैं शुरू से तो हमें गीता रेगुलर पढ़ते थे बहुत सारी चीजें पढ़ते थे पर अब उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो उसका क्या रीजन होता है आ, ऐसा कहा लिखा है कि भगवान की जो भक्ति करेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होती है नहीं प्रॉब्लम नहीं बात वो नहीं है बात ये नहीं है अगर हम भक्ति करते हैं हम भगवान पे विश्वास मतलब उन्होंने बहुत पूजा पाठ किए इस मतलब मैंने कभी उनको नहीं देखा कि उन्होंने कभी कुछ गलत किया हो किसी के साथ ठीक ठीक बहुत अच्छे हैं वो और पूजा पाठ भी रेगुलर करते थे बट वेरी नाइस nice. आपकी आवाज माता

अगर जो इतनी भक्ति कर रहा है जिसने अपने देखे हुए? नहीं। किसने देखे हुए? किसी ने भी नहीं देखे <laughs> नहीं किसी ने तो देखे ना एक आत्मा ने और एक परमात्मा ने आत्मा ना आत्मा जो है पूरे तरीके से पूर्ण ना होते हुए वो सारी चीजें भूल जाता है लेकिन परमात्मा कभी नहीं भूलता भगवान नहीं भूलते जो भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं श्रीदिक्षाए विष्णु वास करते हैं उनको पता है कि किस किस मनुष्य ने कैसे कार्य किए हैं क्योंकि जब उनको शरीर मिला उसमें कैसे कार्य किए कि, हुए हैं तो जब कोई भक्ति में आता है जिस प्रकार से भक्ति स्वीकार करता है तो उस कर्म बंधन से छुटकारा पाके क्योंकि कर्म भूमि भु, तो है उसका जो फल जो है वो तो मिलेगा जो जो भी उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो मिलने वाला है वो पूरा जो कोटा है खत्म करवाते हैं भगवान सो दैट ही कैन गो बैक होम बैक टू गॉडड इफ यू विल सी इट इज नॉट अगर कोई जो शुद्ध भक्त है उनको इन सारी विपदाओं से कोई भी लेना देना नहीं है हम स्मरण करते हैं कुंती महारानी का वो क्या भगवान से प्रार्थना कर रही है ब्रविन माता ध्यान से सुनेगा क्या प्रार्थना करिए कुंती महारानी हे भगवान आपने हमें इतने, सा, हमें इतने, भगवान, हमें जब इतने सारे कष्ट मिले तब आप हमारे साथ थे लेकिन अब आप जा रहे हो अब हमारे कष्ट खत्म हो गए अब आप जा रहे हो तो इससे अच्छा तो हमें कष्ट मिले मेरी आपसे प्रार्थना है कुंती महारानी बोलती है भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे जीवन में कष्ट आए इतनी कष्ट आए कि हमें भगवान आपका ही स्मरण हो और भी बहुत सारी डिटेल हमें प्रार्थनाएं देखने मिल, देखने को मिलती कुंती महारानी की कि जो डिवोटी है भगवान का वो ये नहीं चाहता वो ये नहीं मांगता है कि मेरे को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखो मेरे पे कोई विपदाएं ना आए मैं आ, अगर शरीर तो बस कंफर्टेबल बेड हो आराम से शायन हो नहीं जो शुद्ध स्तर पे होता है उसको इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे ही टोटली totally, मतलब उनका शरीर का अंग अंग काम नहीं कर रहा था

क्यों? क्योंकि उनको इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और जब वो हॉस्पिटल में थे, थे शिलाप्रपात शिला और भागवतम का बुक लेके गए भगवत गीता भागवतम और समथिंग ही इट और ये स्मरण की, की नहीं ये भी नहीं छोड़ना है मैंने वो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी भौतिक शरीर से भौतिक कार्य करवा रहे हैं भगवान और भौतिक ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो भी हैं वो सारे ला रहे हैं a, is, uh, the, like, society, हम इस शरीर के प्रति जिसको तो छोड़ना ही छोड़ना है तो जो भी जीव आत्मा अभी सफर कर रही हैं जो भी आपके रिश्ते में है रिलेटिव है हमारी तो प्रार्थना यही रहेगी भगवान श्री कृष्ण से उनके इस दर्द को जल्द से जल्द ठीक करें आ, मैं तो बोलूंगा जो भी आज के दिन का श्रीमद भावगौतम पढ़ने का फल जो मुझे मिला है उस जीव आत्मा को मिल जाए आज के दिन ताकि वो इस योनी में ही गो, गोलोकदाम जा सके अगर नहीं तो अगला जब उनको योनी जो मनुष्य योनी मिले उसमें उनको पर्याप्त प्रकार से जो एक अवसर मिले जहां पे वो गोलोकदेम जाने की तैयारी कर सके हम तो यही प्रार्थना कर सकते बट ये सबके साथ रहेगा इसमें हम वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट इज दैट विल नॉट बी इन निष्काम भक्ति अगर हम ये हैं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं माला कर तो रहे हैं भागवत पढ़ रहे बीमारियां टी करेगी हमें तो ज्यादा भी कर सकती है क्योंकि हमारे कर्म जो है खतम होने, खतम करने जल्दी -जल्दी -जल्दी कुछ छोटी मोटी चीजें करते रहेंगे सो लेट इट बी देयर यू शुड नॉट वी शुड नॉट बी लाइक गेट एफेक्टेड बाय दैट इस चीज का समझना आना चाहिए अभी मैं किसी को बता रहा था सॉरी फॉर टेकिंग इट टू लॉन्ग माला छोड़ दी अब बताओ जब मृत्यु आएगी तो फिर क्या क्या छोड़ दोगे तो आप माला तो दूर की बात है माला तो सबसे पहले छूट जाएगी एक छोटे से फोन ने आपसे माला छुड़वा दी तो उसी प्रकार से हमें याद रखना जब ये चीजें विपदाएं हमें सताएगी शारीरिक रूप से हम बुजुर्ग हो जाएंगे बूढ़े हो जाएंगे तब ऐसा भगवान से प्रार्थना मांगनी है भगवान जब मेरे सामने मुश्किल घड़ी आए तो मेरे का मेरे को सुमरन इसी तरीके से बना रहना चाहिए और इससे भी ज्यादा बना रहे यही मेरी आपसे प्रार्थना है और यही सुबह हमें हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से ओके एनीवेज नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन था आई डोंट नो लेट मी सी चैटिंग सेशन वेरी फास्टली हाँ किसी ने लिखा है हिज होली ने जयपता का स्वामी महाराज जी अभी देखो वो भी कोविड में है और वो कब से उनका शारीरिक रूप से वो बीमार है बट ही इज नॉट लिविंग दैट पैशन टू प्रीच शिला प्रोपाज इंस्ट्रक्शंस और शिला प्रोपाज मैसेज ही इज फुल ऑन इन जोश फुल जोश निशा माताजी इज सेइंग दैट शी इज रिप्लाइंग वेरी गुड दैट कभी कभी भगवान हमारे सारे कर्म बंधन काटने के लिए दुख देते हैं ताकि उनका भक्ति भक्त जल्दी से कर्म बंधन काट के उनके पास आ सके वेरी नाइस थैंक यू ओके ओके आस्था माता ए मेहता आस्था माता ही होंगे यस yes. कृष्णा संविद चित लिखा था एबो फोर एक्सपेंशन वो क्या है कौन से वर्स में <laughs> ओके लेट मी सी दैट कहा लिखा था श्वानी अगर आपको पता है आस्था माता जी आपको पता है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हो वर्ष नंबर नहीं वहाँ जो आपने शेयर किया था ना वो गोलो का चार्ट उसके ऊपर था ओके लेट मी गेट बैक टू दैट आई विल सी टू दैट वो मैं देख के भेज दूंगा आपको आई विल सी टू दैट ओके अभी कहा है

But are को यही अगुन कार्य मिल रहे थे कि उनको ये लग रहा था कि कहीं मैं अलग ना हो जाऊँ फिर प्रोपादी बता रहे हैं यहाँ पे उस कृष्ण की बात कर रहे हैं भगवान जो उनके एज ए फ्रेंड थे एज ए गॉड ही कनेक्टेड विद कृष्णा ओके okay, चलिए आज का सेशन एंड करते हैं कल मिलते हैं सेम टाइम पे सेम जोश के साथ अब तक के लिए किसी को कुछ बोलना है किसी डिपोटी को नहीं ओके okay, तो आप अनम्यूट करिए फुल जोश के साथ बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् श्रीमत बागवतम की जय जय निशा माता जी प्लीज मैसेज मी आई विल सेंड यू द ब्लॉक चार्ट